उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से संवाददाता कपिल चौहान। 2023 में होगी रैपिड रेल की शुरुआत, तैयारियां हो रही हैं पूरी। गाजियाबाद दिल्ली से मेरठ के बीच 2025 में रैपिड रेल रफ्तार भरेगी। प्राथमिक खंड में साहिबाबाद से दुहाई के बीच 2023 में रैपिड रेल का संचालन होगा। रैपिड रेल के कोच में मेट्रो से अलग सुविधा होगी। ये रैपिड रेल कब शुरू होगी और इसके कोच कैसे होंगे, ये मेट्रो से अलग कैसे होगी, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। तो जो रैपिड रेल पहली भारत की प्रथम रीजनल रेल बन रही है वो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच में बन रही है। इसका प्रायोरिटी सेक्शन जो साहिबाबाद से दुहाई के बीच में जिसमें 5 स्टेशन है वो मार्च 2023 के लिए टारगेटेड है। NCERTC टीम पूरी मेहनत से लगी हुई है कि हम उसको टाइम बाउंड तरीके से शेड्यूल टाइम में कम्प्लीट कर सकें। ये आपने पूछा कि मेट्रो से कैसे लेना होगी, तो मेट्रो से आप देखिए मेट्रो सिस्टम्स हैं जो एक इंट्रा सिटी कम्यूट को देखते हैं एक शहर के अंदर, जैसे दिल्ली मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो, चेन्नई मेट्रो ये सब। और जो रीजनल ट्रेन है जो ये फर्स्ट टाइम बन रही है, ये दिल्ली अर्बन नोड्स को ये जोड़ती है आसपास 100 किलोमीटर से और स्पीड के साथ जोड़ती है, तो 3 गुना स्पीड है इसकी, 180 किलोमीटर पर आर की डिज़ाइन स्पीड है। और स्टेशन 5 से 10 किलोमीटर के दूर पे है और ट्रेन हर 5 से 10 मिनट में मिलेगी। अब ट्रेन की बात करें कि नॉर्मल मेट्रो अर्बन ट्रांसपोर्ट से किस तरह से अलग होगी, तो आप देखेंगे यहाँ लगेज रैक मिलेगा आपको, आपको एक वाइडर कोच मिलेंगे, सीटिंग कंफर्ट, स्टैंडिंग कंफर्ट मिलेगा। इस ट्रेन के आउटर में देखेंगे तो एक नोज भी एरोडायनेमिक शेप है इसकी, ताकि स्पीड को वो कहते हैं हाइट एक्सेलरेशन, हाइट एक्सेलरेशन पे चल सके। तो दीज आर सम कॉमन मेन। एक हमने प्रीमियम क्लास कोच भी रखा है इसमें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डर सकें कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। प्रीमियम कोच में कितनी सवारी होंगी और स्टैंडर्ड कोच में? प्रीमियम कोच में बैठने के लिए आप मानिए 60 के आसपास लोग बैठ पाएंगे और बैठने के लिए स्टैंडर्ड में 70-72 के आसपास लोग बैठ पाएंगे। लेकिन अगर आप स्टैंडिंग के हिसाब से बात करें तो अमूमन हम मान रहे हैं 1700-1800 के आसपास लोग एक ट्रेन में 6 कोच की ट्रेन में ट्रेवल कर सकते हैं। हम ये कहें कि ये एक शताब्दी ट्रेन की तरह इसमें बैठने की व्यवस्था की गई है जो अगर आप 2x2 सीटिंग की बात करें तो शताब्दी की तरह नॉर्मल मेट्रो जो की लॉन्गिट्यूडनल होते हैं उससे। और इसमें जो है ये रैपिड रेल कब शुरू होगी और इसके कोच कैसे होंगे, ये मेट्रो से अलग कैसे होगी, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। तो जो रैपिड रेल पहली भारत की प्रथम रीजनल रेल बन रही है वो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच में बन रही है। इसका प्रायोरिटी सेक्शन जो साहिबाबाद से दुहाई के बीच में जिसमें 5 स्टेशन है वो मार्च 2023 के लिए टारगेटेड है। NCERTC टीम पूरी मेहनत से लगी हुई है कि हम उसको टाइम बाउंड तरीके से शेड्यूल टाइम में कम्प्लीट कर सकें। ये आपने पूछा कि मेट्रो से कैसे लेना होगी, तो मेट्रो से आप देखिए मेट्रो सिस्टम्स हैं जो एक इंट्रा सिटी कम्यूट को देखते हैं एक शहर के अंदर, जैसे दिल्ली मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो, चेन्नई मेट्रो ये सब। और जो रीजनल ट्रेन है जो ये फर्स्ट टाइम बन रही है, दिल्ली अर्बन नोड्स को ये जोड़ती है आसपास 100 किलोमीटर से और स्पीड के साथ जोड़ती है, तो 3 गुना स्पीड है इसकी, 180 किलोमीटर पर आर की डिज़ाइन स्पीड है। और स्टेशन 5 से 10 किलोमीटर के दूर पे है और ट्रेन हर 5 से 10 मिनट में मिलेगी। अब ट्रेन की बात करें कि नॉर्मल मेट्रो अर्बन ट्रांसपोर्ट से किस तरह से अलग होगी, तो आप देखेंगे यहाँ लगेज रैक मिलेगा आपको, आपको एक वाइडर कोच मिलेंगे, सीटिंग कंफर्ट, स्टैंडिंग कंफर्ट मिलेगा। इस ट्रेन के आउटर में देखेंगे तो एक नोज एरोडायनेमिक शेप है इसकी,
ताकि स्पीड को वो कहते हैं हाई एक्सेलरेशन हाइट एक्सेलरेशन पे चल सके। तो दीज आर सम कॉमन मैन। एक हमने प्रीमियम क्लास कोर्स भी रखा है इसमें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डर सकें कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। प्रीमियम कोच में कितनी सवारी होंगी और स्टैंडर्ड कोच में? प्रीमियम कोच में बैठने के लिए आप मानिए 60 के आसपास लोग बैठ पाएंगे, और बैठने के लिए स्टैंडर्ड में 70-72 के आसपास कोच लोग बैठ पाएंगे। लेकिन अगर आप स्टैंडिंग के हिसाब से बात करें तो अमूमन हम मान रहे हैं 1700-1800 के आसपास लोग एक ट्रेन में, 6 कोच की ट्रेन में ट्रेवल कर सकते। हम ये कहें कि ये एक शताब्दी ट्रेन की तरह इसमें बैठने की व्यवस्था की गई है जो अगर आप 2x2 सीटिंग की बात करें तो शताब्दी की तरह शताब्दी तो नॉर्मल मेट्रो जो कि लॉन्गिट्यूडनल होते हैं उससे। हाँ, और इसमें जो है Thank you.